हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए होंगे, और अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे बता सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे या यही चैनल के माध्यम से। 9627272711 इज द व्हाट्सएप नंबर। अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड I am in front of you to explain the next topic of this unit, electrostatics, which is known as electric flux. First of all, we have to know about the flux. The topic is electric flux, which is first of all we know about the flux. Sir, what is flux? According to me, flux is something, the amount of anything passes through any area. मतलब किसी भी चीज का वो अमाउंट जो उसके एरिया से, किसी एरिया से पास आउट होकर बाहर निकल जाता है, वो दिस अमाउंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस एनीथिंग इज नोन एज फ्लक्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव वाटर फ्लक्स, मतलब वी हैव अ पाइप ट्यूब हैविंग अ एरिया एंड द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट। द वाटर कम्स इन वन सेकेंड through this area is known as water flux. If we increase its tube area, the water comes like that. Here is it. So, this is known as water flux. यानी water जितना भी एक second में यहाँ से इस area में से pass होके बाहर आ जाएगा, उसे आप बोलेंगे water flux. ऐसे ही आप लोगों ने डीजे भी से देखे होंगे, और डीजे पे आपने देखा होगा ब्लैक टैग रहती है, स्फेरिकल, इसके अंदर बल्ब होता है, वैसा रेड, येलो, ग्रीन, अलग अलग तरीके की लाइट आती है। सच दैट कुछ इस तरह से यहाँ तो कुछ लाइट निकल रही है, इधर से कुछ लाइट निकल रही है, अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ अलग अलग होल हुई है, यहाँ से लाइटें निकल रही है। तो the amount of light which comes through that area is known as luminous flux. It is known as luminous flux, या flux of light. Similarly, the amount of electric field lines, या the amount of electric field comes through, या passes through an area is known as electric flux. For example, सर जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से बाहर निकल जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकाली है इस एरिया से, तो दैट मींस 3 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। अब अगर ये एरिया जस्ट डबल हो जाए इससे अपनी, तो कितनी निकलेंगे, सर 6 हो जाएंगी, पहले 3 निकल रही थी, तो ठीक है। अब अगर ये ट्रिपल हो जाए तो सर 18 हो जाएगी, 3 3 9 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
जिसका अमाउंट है डी ए और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ई, तो फिर क्या होना चाहिए? बोला सर फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए फॉर द स्मॉल एलिमेंट एरिया, डी फॉर डी ए फॉर द स्मॉल एलिमेंट. इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया एलिमेंट. टू फाइंड आउट द होल एरिया वी हैज अ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटीग्रेशन एट क्लोज सरफेस. दिस इज क्लियर? बोला सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. This is the definition. And definition is बहुत सिंपल डिफाइन कर देंगे. The number of electric field lines
passes through an area is called electric flux. क्या बोलते हैं आप उसे? Electric flux. The number of electric field lines passes through an area is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी बताया अपने टर्म्स में, विच इज नोन एज गॉस, एंड ही गिव्स अ लॉ विच इज नोन एज गॉस लॉ. गॉस ने भी मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया, एक डेफिनेशन से मिला मुझे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या था. बोला सर फाइ ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस. कुछ बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा ई डॉट डी ए, नो टेंशन है, किसी सरफेस एरिया के किसी बाउंड्री ने किसी चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है. गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एनक्लोज्ड चार्ज. It is only valid for the enclosed charge. Whenever the charge is enclosed, Gauss law is applicable. No tension. Whenever the charge is free from the surface area or boundary, Gauss law is not applicable. Clear? So whenever you have to want applicability of Gauss law, then the charge must be enclosed by a surface area. Clear is it? Now, present. This is a charge Q which is enclosed by any surface. Then the electric flux passes through an area. This is a small elementary area. This is a charge Q. The electric flux passes through in this elementary area dA is given by phi E equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by that boundary. This is the statement of Gauss. That means phi E equal to Q over epsilon naught. This is electric flux given by Gauss. Electric flux given by definition is this. Electric flux given by Gauss is Q upon epsilon naught. Clear is it? Have a look. देख लीजिए एक बार. मैं फिर बता रहा हूँ आपको Gauss का statement क्या है. According to Gauss, the electric flux through any surface area always be equal to the 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the boundary of that surface. This is the statement of Gauss. These are two formulas. One is from definition of electric flux. Second is by the Gauss law. And this is most helpful to us to derive the relations to solve the numericals also. And this is most important for the board exam also. Have a look. हम लोगों ने जान लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है डेफिनेशन से और बाय गॉस. इतना करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो आप देख सकते हैं इजीली और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम में आए भी चुके हैं कई बार. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है क्वेश्चन में देखता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. प्लस सर क्वेश्चन इज दिस समथिंग अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड side of cube is A and there is a charge. What is the electric flux coming throughout it? और इससे निकलने वाला electric flux निकालिए. Also second question is this. Now what is the electric flux coming through one face of this cube? मतलब ठीक है. इस total boundary में cube में कितना charge है? बोला sir cube. तो मैंने कहा भाई flux होना चाहिए पूरे cube से निकलने वाला phi equal to q over epsilon naught according to Gauss. बोला sir आपने गॉस का यूज किया. मेरे पास दो फॉर्मूले थे प्लस सर एक तो ना डेफिनेशन से और एक था गॉस लॉ से. तो आपने केवल गॉस लॉ को क्यों यूज किया? मैंने कहा व्हेनेवर द एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन देन वी यूज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेनेवर द चार्ज इज गिवन एंड मतलब सर एरिया भी निकाल सकते हैं लेकिन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. एरिया निकाल सकते हैं आप साइड से लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है आपके पास. वो भी रिक्वायर्ड इन द डेफिनेशन phi e equal to integration of closed surface E dot dA. एरियल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, एरिया चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. यहां जो एरिया है ना दिस इज नोन एज एरियल वेक्टर. वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एरिया. दैट्स व्हाई एरिया इज अ टेंसर क्वांटिटी. इट इज नॉट अ स्केलर नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल मैं आपको भी करके दिखा देता हूं.
असल ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी पड़ेगी आपको एरिया वेक्टर की, उनका दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो सर ये ऐसे हो जाए तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप एरिया पे, वही क्या होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया होगी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर ये ऐसे हो जाए तो ये हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे भी हो 90 डिग्री पे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, दिस इज द एरिया, क्लियर, ठीक। तो ये रिमूव हुआ, तो आपको नोमेरल करने के लिए क्या चाहिए था, बोला सर क्यों चाहिए था, क्यों आ गया, बोला अपन एक्सेल नोट उसका होता है, बॉस ने बताया था, फाइन कर रहा है, लेकिन सर फेस से पहला आंसर तो ये निकाला, दूसरा आंसर मतलब दूसरा आंसर भी निकाल देंगे, एक फेस से मतलब हाउ मेनी फेसेस आर देयर, मतलब सिक्स फेसेस आर देयर, सो द 5-E = Q अपॉन पूरे 6 से मिला के कितना निकल रहा था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक से कितना निकलेगा बोला सर डिवाइड बाय 6, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन, दैट्स इट, इट इज आंसर। ये पहली प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, एक और देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम, बोला सर अब इस बार क्या किया उसने चार्ज को, बोला पहले तो सेंटर पे था, मैंने कहा ठीक है भाई, बोला सर अगर ये चार्ज सेंटर के बजाय, मैंने कहा हाँ जी, बोला सर ये सेंटर के बजाय ये चार्ज आ जाता है आपका एक कॉर्नर पे, बोला सर अब क्या होगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं निकाल देंगे, मैंने कहा गॉस को एप्लीकेबल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, बोला सर द चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड, गॉस is applied only when the charge is enclosed by the boundary of surface area. So this charge is enclosed or not? So sir, this is not the enclosed. It's not enclosed. So sir, enclosed नहीं। तो मैंने कहा फिर इसको enclosed करें। तो कैसे कर पाएंगे आप enclosed? मैंने कहा एक क्यूब आप यहाँ मान लीजिए। एक क्यूब चार्ज रखा हुआ, दूसरा क्यूब, दो हो गए। एक इधर मानना पड़ेगा आपको, एक इसके पीछे भी मानना पड़ेगा, जिससे ये चार्ज कहां आ जाएगा, सेंटर पे। ये चार्ज सेंटर पे कब आएगा, बोला सर यहां चार क्यूब आपको मानने पड़ेंगे इसी क्यूब के पहले, वन क्यूब, सेकंड क्यूब, चार्जेस देयर, थर्ड एंड फोर्थ, ये आ गया, बोला सर लेकिन एनक्लोज नहीं हुआ, तो मतलब चार ऊपर और मान लीजिए इन चारों के, कितने क्यूब हो गए टोटल, बोला सर फोर नीचे थे फोर ऊपर थे, टोटल कितने हो गए एट, तो उन आठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 5E = Q upon epsilon naught, क्योंकि अब तो मेरी प्रॉब्लम यही वाली बन गई ना, तो सेंटर पे चार्ज आ गया आठ क्यूब पे, यहाँ चार्ज पर, ठीक है, लेकिन बोला सर आपसे उसने ये थोड़ा पूछा था कि आठ से कितना निकल रहा, आपसे पूछा था इस क्यूब से कितना निकल रहा, मैंने निकाल देंगे ना, है कमाल रखता, मैंने कहा आठ क्यूब से निकलने वाला कितना, Q upon epsilon naught, एक क्यूब से निकलने वाला कितना, मतलब 5E = Q upon 8 epsilon naught, मतलब बिल्कुल, बोला सर एक क्वेश्चन बता दो, मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे भाई, बोला सर अगर इसके एक फेस से पूछ रहा होता तो कितना होता, मतलब कमाल है कर देंगे, 5E = कितने फेसेस इसके, बोला सिक्स, एक से कितना निकला इतना, बोला ठीक है 48 नोटेशन है, क्लियर, हैव अ नाइस डे, रिमेन स्टे एट होम, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहे न्यूमेरिकल्स की और लगातार वीडियो को देखते रहे, और मुझे लगता है कि आप लोग देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, इसलिए देखते रहे, बाकी कोरोना से सेफ रहे और अपने घर पे रहे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।